स्टूडेंट से इस लेसन में हम रॉले की थ्योरम को और लैग्रेंज की थ्योरम को पढ़ेंगे। ये माध्यमान प्रमेय हैं और इन प्रमेय का हम पहले प्रूफ देखेंगे, उसके बाद इनके एक दो अनुप्रयोग देखेंगे या ज्यामितीय अर्थ, बीजीय अर्थ ये जो के आते रहती हैं। सबसे पहले रॉले प्रमेय का कथन क्या है? यदि संवर्त अंतराल ए बी पर परिभाषित फलन, मतलब आपका जो फलन है वो क्लोज इंटरवल ए बी पर परिभाषित है, इस पर इस फलन की क्या विशेषता है? क्लोज इंटरवल तो आपका है क्लोज संवर्त अंतराल में तो संतत है, ओपन इंटरवल में अवकलनीय है, तथा इसके फंक्शन जो है इसके ए और बी पर मान समान है। तो ये तीन मतलब कंडीशन है रॉले की, R1, R2, R3। तब आपके लिए क्या होगा, इस ओपन इंटरवल ए बी में कम से कम एक बिंदु सी ऐसा विद्यमान होगा जिसके लिए अवकलन अवकलज का जो मान है सी के लिए वो जीरो होगा। देखो इसे हम हल करते हैं, इसको प्रूव करेंगे कि ये रॉले प्रमेय सत्य है। फलन एफ संवर्त अंतराल में संतत है, अतः सांतत्यता के जो गुणधर्म है, हमने संवर्त अंतराल में सांतत्यता के गुणधर्म पढ़े हैं, उनसे क्या हो फंक्शन परिबद्ध होगा, तथा ये जो क्लोज इंटरवल है इसमें परिबंधों को ग्रहण करेगा। परिबंध मतलब आप जो उच्चक और निम्नक है, तो मान लेते हम माना फंक्शन एफ के ए बी में निम्नक और उच्चक क्रम से कैप निम्नक हमारा स्मॉल एम है और कैपिटल एम है। अब इनको प्राप्त करने के लिए हमारे पास सी और डी मान भी होंगे ए बी में, भाई फंक्शन के जो मान है ये सी और डी पर प्राप्त होंगे एम और ये कैपिटल एम। तो सी पर तो हम मान लेते हैं कैपिटल एम प्राप्त होता है और डी पर मान लेते हैं स्मॉल एम प्राप्त होता है। ऐसा हो सकता है कि जब आप कैपिटल एम है वो केस हम लेते हैं, जब कैपिटल एम और कैपिटल स्मॉल एम बराबर है तो क्या होगा, उच्चक निम्नक बराबर है। इसका मतलब ये है कि फंक्शन के जो है सभी फॉर ऑल एक्स ए बी के लिए फंक्शन का मान एक ही रहता है, कैपिटल एम एम या स्मॉल एम दोनों समान है तो यही रहता है सभी के लिए, यानी फलन जो आपका एक तरह से अच्छा रहे। उच्चक और निम्नक तभी बराबर हो सकते हैं जबकि आपका फलन के जो मान है वो सभी बराबर है, यानी अच्छा रहे फलन है, यानी एक्स के सभी मानों के लिए फलन का मान अच्छा रहता है। अवकलन करेंगे तो आप अचर फलन का अवकलज जो है वो जीरो होता है। तो ये आपका एफ डैश सी मतलब फंक्शन ऑफ सी का जो है आप डैश करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा। सी जहां तक कोई से भी बिंदु ले लो आप, तो आपका ए और बी के मध्य कोई सा भी सी हो सकता है, उसके लिए आपका अवकलज जो जीरो होगा। अतः इस कंडीशन में आपके प्रमेय सत्य है। तो हम ऐसा केस सेकंड लेके चलते हैं, जब आपके कैपिटल एम और स्मॉल एम बराबर नहीं है, तब आपका देखो आर थ्री में क्या है, जो रॉले की तीसरी कंडीशन है कि फंक्शन का ए और बी पर मान समान है। अब फंक्शन का ए और बी पर मान समान है और हमारे जो है कैपिटल एम स्मॉल एम इनमें से मतलब कोई बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, तो फिर ये होगा कि स्मॉल एम और कैपिटल एम में से कम एक जो है इनसे भिन्न होगा फंक्शन ऑफ ए और बी में से, क्योंकि भाई एम और एम भिन्न है स्मॉल एम और कैपिटल एम, तो और ए और बी पर फंक्शन के मान बराबर है। अब अगर स्मॉल एम के बराबर हो जाए तो कैपिटल एम फलन नहीं होगा। तो हमारे पास कैपिटल एम और स्मॉल एम से कम एक ऐसा होगा जो फंक्शन ऑफ ए और फंक्शन ऑफ बी से भिन्न राशि होगी। अर्थात अगर आप कैपिटल एम को मान लें, जो कि कैपिटल हमारा फंक्शन ऑफ सी है, सी पर प्राप्त होता है फंक्शन का मान, ए और बी के बराबर नहीं है, तो सी जो है आपका ए और बी के बराबर नहीं होगा, सी ए और बी के बीच में होगा कहीं, इनके मध्य में होगा। अब फंक्शन एफ जो है ए बी में अवकलनीय है, ए बी में अवकलनीय है, तो सी पर भी अवकलज विद्यमान होगा। हम आर एच डी और एल एच डी निकालते हैं, देखें क्या होगा आपका आर एच डी फंक्शन ऑफ सी प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ सी बटा एच। अब आप देखो जो आपका उच्चक है वो सी पर प्राप्त होता है, तो फंक्शन ऑफ सी जो है फंक्शन ऑफ एक्स का ए बी में अधिकतम मान है, उच्चक जो है वो अधिकतम मान होता है, तो फंक्शन ऑफ सी अधिकतम मान है, तो ये जो है इस मान से बड़ा होगा, तो इसका मतलब ये पूरी राशि जो है वो नेगेटिव होगी, ठीक है, और ये लिमिट कंडीशन में हो सकता है ये जीरो हो जाए, तो जीरो के बराबर है, जीरो से छोटी होगी। ऐसे हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालें एल एच बी, तो उसकी जो परिभाषा उसमें ये होता है फंक्शन ऑफ सी माइनस एच माइनस फंक्शन ऑफ सी बटा माइनस का एच,
अब इसमें देखो फंक्शन ऑफ सी वो इस मान से फिर से बड़ा होगा, क्योंकि फंक्शन ऑफ सी आप क्या है, उच्चक है, लेकिन नीचे जो चिन्ह है वो माइनस है, तो आपका जो मान ये है ऊपर जो एक तरह से आपका निगेटिव आएगा लेकिन नीचे निगेटिव चिन्ह है, तो ये पूरा अमाउंट जो वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। एच जो हम पॉजिटिव लेके चले, तो ये जो पूरा अमाउंट है वो आपका पॉजिटिव आएगा, यानी या लिमिट लगाने पे जीरो भी हो सकता है, तो ये जो है जीरो से बड़ा या बराबर है। अब दोनों अवकलज विपरीत चिन्ह के हैं, और जबकि सी पर जो आपका फलन कैसा है, अवकलज विद्यमान अवकलन ही है, अतः आपका आर एच डी और एल एच डी बराबर होंगी, किसकी बराबर होंगी, फंक्शन ऑफ सी के अवकलज के बराबर। यह तभी संभव है जब आपका क्या होगा, अवकलज का मान जो है जीरो होगा, क्योंकि दोनों विपरीत चिन्ह के हैं, तो ये दोनों विपरीत चिन्ह कब बराबर हो सकते हैं, जब उनका मान जीरो हो, इसलिए तभी संभव है जब फंक्शन ऑफ सी जो फंक्शन का डैश है वो सी पर जीरो हो। ये आपके रोले प्रमेय का प्रूफ हो गया। अब देखो रोले प्रमेय का ज्यामितीय अर्थ भी है, रोले प्रमेय का बीजीय अर्थ भी है। ज्यामितीय अर्थ क्या है, यदि आपका फलन का आलेख है, ज्यामिति में तो आकृति बनेगी, तो फलन का आलेख जो है क्लोज इंटरवल में संतत है, ओपन इंटरवल के प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, क्योंकि अवकलनी का मतलब ये होता है, तथा आपके जो है कोटि ए और बी पर, कोटि फंक्शन का जो मान है वो कोटि है, फंक्शन का जो मान है ए और बी पर वो बराबर है, तब हमारे पास ओपन इंटरवल ए बी में कम से कम एक ऐसा बिंदु विद्यमान होगा जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर होगी। भाई आप जो रोले प्रमेय में लिखते हो एफ सी का डैश जीरो के बराबर है, फंक्शन ऑफ सी का डैश जीरो है, उसका मतलब क्या है कि रेखा का ढाल जीरो है, यानी वो एक्स अक्ष के समांतर है, तो यही है, ऐसा बिंदु विद्यमान होगा जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा जो एक्स अक्ष के समांतर है, यानी उसका ढाल जो है जीरो है। और रोले प्रमेय का बीजीय अर्थ क्या है, रोले प्रमेय का बीजीय अर्थ देखो, एक्स बराबर ए और बी पर फंक्शन ऑफ एक्स के दो मूल है, यानी आपके जो फंक्शन ऑफ ए और फंक्शन ऑफ बी के मान होते हैं बराबर, वो जीरो के बराबर होता है, तब आपके पास जो है, अगर आप जैसे फंक्शन ऑफ एक्स के बराबर जीरो के दो मूल है एक्स बराबर ए और बी, तब आपका जो है फंक्शन ऑफ एक्स डैश बराबर जीरो का कम से कम एक मूल हमारे ए और बी के मध्य में विद्यमान होगा, ठीक है ना, जो रोले का बीज अर्थ ही होता है, ठीक है। अब एक हम क्वेश्चन करते हैं जो कि आप यूनिवर्सिटी में भी आया हुआ है, कि ये फंक्शन ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस थ्री लॉग एक्स पर विचार करते हैं, इसे प्रदर्शित कीजिए समीकरण इसका एक्स लॉग एक्स बराबर तीन माइनस एक्स एक तथा तीन के मध्य कम से कम एक मूल विद्यमान है इसका, इस समीकरण का। तो देखें हम पहले तो रोले प्रमेय की तीनों शर्तों को देखते हैं, एक्स माइनस थ्री ये आपका अवकलनीय और संतत फलन है, लॉग एक्स ये भी संतत और अवकलनीय फलन है, कहाँ, एक से तीन के मध्य में, क्योंकि ये न तो अनंत होते और न ही मतलब अनिर्धार होते, तो ये इसके लिए संतत हैं दोनों, एक्स माइनस तीन और लॉग एक्स के लिए संतत हैं, अतः इनका गुणनफल जो है वो भी संतत होगा, क्योंकि संतत फलन होगा गुणनफल जोड़ घटाव संतत होता है, तो लॉग एक्स ये जो है आपका इसमें संतत होगा। अब देखो अवकलन करेंगे हम इसका, तो ये दो फलनों के गुणनफल का अवकलज के समान है, तो एक्स माइनस थ्री को हमने अचर रखा, लॉग एक्स का किया तो एक बटा एक्स प्लस एक्स माइनस तीन का एक हो गया, और लॉग एक्स आपने अचर रखा, तो 1/3 में किसी भी मान के लिए, ये जो है एक से ओपन इंटरवल एक से तीन है, इसमें किसी भी मान के लिए ये जो है मान आपका न तो अनंत होगा और न ही अनिर्धार्य होगा, क्यों, क्योंकि आपका एक्स जो है नीचे है वो जीरो पर हर जो है अनंत होगा, लेकिन जीरो तो इसमें शामिल ही नहीं है, ये तो ये जो है ये आपने और आपका ये लॉग एक्स है ये भी जीरो पर अनंत होगा, तो ये जो टर्म है हमारे पास ये 1/3 में 1 से लेकर 3 के बीच में कहीं भी अनिर्धार्य अनंत नहीं है, अतः फलन जो हमारा वो 1/3 में अवकलन ही है। साथ ही तीसरी कंडीशन, अगर आप एक रखते हैं फलन में तो क्या आएगा आपका, लॉग एक की वजह से जीरो हो जाएगा, और तीन रखते हैं तो तीन में से तीन जाएगा इसकी वजह से जीरो हो जाएगा, तो रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध आपके संतुष्ट हैं, तो रोले प्रमेय के अकॉर्डिंग 1/3 में ओपन इंटरवल 1/3 में
कम से कम एक माने के लिए फलन का मान 0 के बराबर होगा, तो हम अवकलज जो निकाला उसे 0 बराबर कर देंगे, लॉग एक्स को इधर ले आएंगे, तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, जिससे हमारा क्या है माइनस से गुणा कर लेंगे, ये 3 - x लेफ्ट हो जाएगा और आपका यहाँ आ जाएगा एक्स लॉग एक्स, हर में जो एक्स है उसे गुणा कर लेंगे। अतः यह समीकरण 1-3 जो हमारा ये समीकरण आया, क्योंकि 1-3 में कम से कम एक मान से ये संतुष्ट हो गया है, क्योंकि हमने रॉले प्रमेय के अकॉर्डिंग यहाँ हल किया, 1-3 में कम से कम एक मान हमारे पास ऐसा है जिसके लिए ये अवकलज 0, तो हमारे पास ये समीकरण प्राप्त हुआ। तो ये समीकरण जो है 1-3 में कम से कम एक मान से संतुष्ट होता है। अब लाग्रांज की माध्यमार प्रमेय क्या है, तो लाग्रांज की माध्यमार प्रमेय के कथन जो है, पहले दो कथन बिल्कुल रोले की तरह ही है, ये यदि संवर्त अंतराल ए बी में प्रवासित फलन है, तो L1 जो है इसका पहली शर्त तो वही है कि क्लोज इंटरवल ए बी में संतत है, ओपन इंटरवल में अवकलन ही है। तो अब जो इसकी तीसरी कंडीशन थी रोले की वो यहाँ नहीं है, आपकी दो ही कंडीशन है, और फिर से आपकी सीधी शर्त आ जाती है, क्या वो मतलब दोनों शर्त पूरी होने के बाद क्या होना चाहिए वो यहाँ आ जाता है। अतः ओपन इंटरवल ए बी में कम से कम एक बिंदु सी ऐसा विद्यमान होगा कि सी पर अवकलज बराबर होगा फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए बटा बी माइनस ए। ठीक है, अब संवर्त अंतराल ये जो आप ये कंडीशन है बिल्कुल रॉले की तीसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग है, अगर आप ऐसे आप इसमें बी और ए रख दें, बी और ए बराबर, तो बिल्कुल रॉले की प्रमेय बन जाएगी ये। इसका हल देखें, संवर्त अंतराल ए बी पर हम एक फलन फाई इस प्रकार से परिभाषित करेंगे, एक फलन बनाएंगे नया फाई एक्स, कैसे बनाएंगे, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस ए एक्स। ए का चयन हमने कैसे किया है, ए का चर राशि कैसे चयन किया है, कि फाई का जो मान ए पर बी पे बराबर है, तो फाई का मान, तो फंक्शन ऑफ ए प्लस कैपिटल ए ए बराबर फाई फंक्शन ऑफ बी प्लस ए बी, इससे आपका ए का मान निकालें, ए के टर्म को एक तरफ ले लें तो ये आ जाएगा ए का बराबर आपका माइनस फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए बटा बी माइनस ए। फाई ए पर ए बी पर जो है आपका परिभाषित ए बी में कैसा फलन है, ये फाई क्लोज इंटरवल ए बी पर परिभाषित है, कैसा है, क्लोज इंटरवल ए बी में संतत है, ओपन इंटरवल अवकलनीय फलनों का योग है ये, क्योंकि आप देखो दो फलन है इसमें फाई में, फंक्शन ऑफ एक्स भी संतत और अवकलनीय है जो लैग्रेंज की शर्त में दे रखा है, ए एक्स आपका बहुपद फलन है, बहुपद फलन आपके जो संतत होती है और अवकलनीय होती है, तो फाई जो आपका कैसा हो गया, संतत है, रोले प्रमेय की शर्तों को संतुष्ट करेगा, फाई जो आपका क्लोज इंटरवल में संतत है, ओपन इंटरवल में अवकलनीय है, तथा हमने ये शर्त लगाई थी एक ए के मान पर, जिस के ए का मान इस प्रकार है कि फाई ए और फाई बी बराबर है, तो फाई रोले प्रमेय की तीनों ही शर्तों को पूरा करता है, रोले प्रमेय से ए बी में ओपन इंटरवल ए बी में कम से कम हमारे पास एक बिंदु ऐसा सी विद्यमान होगा जिस पर जो है फाई का अवकलन 0 के बराबर होगा। तो अब इसका अवकलन करें फाई का, तो क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स था उसका डैश हो गया, प्लस ए एक्स था तो ए एक्स का ए रह जाएगा क्योंकि एक्स का एक हो जाएगा बराबर 0, तो फंक्शन ऑफ जो फंक्शन का डैश सी पर बराबर माइनस सी आ जाएगा, यहाँ पक्ष अंदर गया, ए का मान आप रख दे 3 से, जो ऊपर हमने ए का मान निकाला ये वाला ये मान यहाँ रख देंगे, तो फंक्शन ऑफ एक्स का डैश सी पर, जो फंक्शन ऑफ सी जो है फंक्शन का डैश सी पर वो इसके बराबर आएगा फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए बटा बी माइनस ए। अब आप इसको देखें, ये इसका ज्यामितीय अर्थ क्या है, वास्तव में देखें आप जो अवकलज है ये आपका किसी भी स्पर्श रेखा का ढाल होता है, किसी भी स्पर्श रेखा ढाल है ये, वास्तव में ये क्या है, ये भी ढाल है, क्योंकि ये दो कोटियों का अंतर बटे ये भुजों का अंतर है, एक्स का अंतर है, आपने ढाल का जो फॉर्मूला पढ़ा है, दो स्पर्श रेखा दे रखी और उस रेखा पर हमारे पास दो बिंदु है, तो उसकी रेखा के लिए ढाल क्या होता है, y2 - y1 बट्टा x2 - x1, तो ये भी ढाल है। अब हमारे पास ये दो ढाल है, ये इधर भी ढाल है और ये भी ढाल है, तो दो ढाल बराबर हैं, कौन कौन सी रेखाओं के, तो वो देखें आप, यदि फलन फंक्शन ये f x बराबर a तथा x बराबर b वाले दो बिंदुओं के मध्य संतत है, मतलब हमारे पास जो x बराबर a और x बराबर b है इनके मध्य में फलन जो है संतत है, वक्र के प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, बिल्कुल ये जो शर्तें हैं लैग्रेंज की, एक क्लोज इंटरवल ए बी संतत है तो ए और बी के मध्य में संतत है, अवकलनीय का मतलब रेखा खींची जा सकती है स्पर्श रेखा, तो वक्र के प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है,
तब हमारी जो लैग्रेंज में ने दो शर्तों के बाद में निष्कर्ष दिया वो क्या है, तब आपका क्या हुआ, ए तथा बी के मध्य में कम से कम एक बिंदु सी ऐसा विद्यमान होगा जहां पर वक्र पर स्पर्श रेखा अगर खींचेंगे तो ये जो है स्पर्श रेखा अगर आप उस बिंदु पर खींचते हैं, एक ऐसा बिंदु होगा सी जिस पर खींचते हैं स्पर्श रेखा, तो उस वो जो है ए और बी को मिलाने वाली जीवा के समांतर होगा, स्पर्श रेखा होगी। यानी अगर आपके जो वक्र है, फलन का जो वक्र है, वो ए और बी उन बिंदुओं के मध्य में संतत है, वक्र के प्रति बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ए तथा बी के मध्य में तब ऐसा एक कम से कम ऐसा बिंदु सी विद्यमान होगा जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा ए और बी को मिलाने वाली जीवा के समांतर होगी। ये लैग्रेंज प्रमेय है।